दो दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों को. दो दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है. दो दिन बाद वापस आएंगे. अगर अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना, दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां. क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे. तो हम कहां रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि. दोनों की दोनों इन समाधियों में रहोगे, समझ गए? एक बात अच्छे से तुम दोनों अपनी खोपड़ी में बिठा लो. अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म चलेगा और वो हूँ मैं, कयामत. अपने पे आ गई ना तो सबको उड़ा डालूंगी. चले छोटे बॉन्ड? हाँ हाँ कयामत जी. भैया जी, जी कैसा थाना है जी, हैं? और देख 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 जी, यहाँ पे थाने में आए, इन दोनों को तो बेहोश करके चले गए और हमको धमका के चले गए, और भैया जी भी कुछ न कर पाए. भैया अब आपको लगता नहीं कि जी जो बात है हमें नहीं पूरी पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, पूरे समाज को ये बात पता चलनी चाहिए. ये दोनों हैं या निकल लिए? मुझे लगता है निकल गए. क्या लगता है, हार्ट फेलर या मर्डर? मुझे लगता है मर्डर है. का आदमी अरे तू? अरे भाई क्या हुआ इन लोगों को बताओ? मर्डर हो गया. मर्डर? अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, अरे पुष्पा जी कैसी भी थी लेकिन हम जो भी चाय बनाते पीती थी बेचारी. अब क्या हुआ? हुआ क्या, इन दोनों का मर्डर हुआ, कोई लाश बाहर छोड़ के चला गया. क्या चीता? पुष्पा जी ये क्या? हाँ संतोष. मैडम सर. संतोष शर्मा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं इस तरह? मैडम सर, चीता और पुष्पा जी. क्या 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 हुआ चीता और पुष्पा जी को? उनका मर्डर हो गया. क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? दोनों की लाशें मेरे सामने पड़ी है. आप जल्दी आइए मैडम सर प्लीज. अच्छा रिलैक्स संतोष, प्लीज आप शांत हो जाइए, हम बस पहुंचे रहे हैं जल्द से जल्द. ठीक है, जल्दी चलाओ ड्राइवर, बस आ रहे हैं. बदनाम भाई जाओ, चादर लेके आओ. अबे जाहिलिया, इन दोनों यहाँ मरे पड़े हो, तुझे आराम की पड़ी है? अरे इनको ढकने के लिए लाश है ना ये. हट रहे हैं. ये लो इसको. चिंता, अरे क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों है? संतोषी क्या हो रहा है, क्या ये लाश? मर्डर केस? किसका मर्डर? चीता और पुष्पा जी. चीता भी गया? नहीं मेरा मतलब हाउ सैड पुष्पा जी. माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती. माँ गुड मॉर्निंग संतु जी. संतोष शर्मा, आपने किसके कहने पर ये डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों का मर्डर हो गया है? मैडम सर. आप संतोष शर्मा हैं? मैडम सर. थैंक यू बताने के लिए. आप सॉरी, वो बदनाम और इकबाल के कहने पर. अच्छा, और बदनाम और इकबाल ने ये कहने से पहले कि ये दोनों मर गए हैं इन्हें चेक किया था? चेक करते मैडम सर तो पता चल जाता ना कि मर्डर नहीं है.
अगर आपको इतना समझ में आता है तो ये क्यों नहीं समझ में आया कि हमें फोन करने से पहले आपको खुद इन दोनों को चेक करना चाहिए था? मैडम सर, वो सबको रोता देखकर और सब शॉक में थे, मैं समझ नहीं पाई और डर गई थी तो। संतु जी संभालिए अपने आप। मैडम सर, हमारा लास्ट देख कर उनका दिल बैठ गया होगा। मैडम सर, कैसे सूझेगा इनके दिमाग में ये सब कुछ? नहीं चीते, ऐसा तो कुछ नहीं है। संतु जी, हो गया आप दोनों का? अब मुझे को ये बताएगा कि आप लोग बेहोश कैसे हुए और बाहर तक कैसे पहुंच गए? मैडम सर, वो आई थी। हाँ। कौन? कयामत दीदी। हाँ, कयामत आई थी। का? जैन मैडम सर, क्या बोले तुम? कयामत आई थी, तुमको कैसे पता कि वो कयामत है? वो कयामत ही थी मैडम सर। क्या क्या आंखें थी उस नासपीटी की, उसे घूर घूर के देख रही थी हमको, मगर हम डरे नहीं मैडम सर। हाँ, बस बेहोश हो गई थी पुष्पा जी। फिर भी हम बंदूक तान के खड़े रह गए उसके सामने। मन तो कर रहा था कि सारी की सारी गोलियां दाग। हाँ ठीक है ना, गालियां देने का क्या जरूरत लग रहा है आपको? नहीं मतलब नॉर्मल भी तो बात कर सकती है ना आप। अरे मगर हम आपको कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो नहीं, हम कह रहे हैं आप अपना मुंह गंदा काय कर रही हैं किसी और के लिए। नहीं नॉर्मल बता दो ना कि जो भी बताना है आपको। नहीं नहीं मैडम, ये सब जो गाली है ना, ये सब ना छोटा छोटा गाली है। आप रहती ना सामने तो आप उमदा लेवल वाला गाली दे देती उसको। अच्छा तो उसके सामने देते ना ये गाली, पीछे से काय गरिया रहे हो तुम? इतना ही तुम शेर बन रहे हो अभी हमारे सामने तो। नहीं, हम होते ना वहाँ पे तो ऐसी गाली देते और ऐसा भौकाल दिखाते ना उस कयामत की बच्ची को और अरेस्ट कर लेते। तुम अरेस्ट किए उनको? हाँ किए अरेस्ट। हमने कहा था चीते आगे बढ़ो, उसको अरेस्ट कर, इसने नहीं किया। हम दिमाग बना लिए थे, हथकड़ी खोज ही रहे थे कि अचानक से आई और परफ्यूम मार दी। परफ्यूम? हाँ संतु जी, परफ्यूम। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? वो जितने भी लोग आए थे ना बाहर, उन्होंने आपके फोटोज और वीडियोज ले लिए। थोड़ी देर में ये सब वायरल हो जाएगा। क्या सोचेंगे लोग कि हमारा महिला पुलिस थाना कितना अनसेफ है? यहाँ पर एक नकाबपोश औरत आती है, वो चुड़ैल कयामत। हाँ। दो ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को बेहोश कर यहाँ से चली जाती है पुलिस थाने का मजाक उड़ा कर। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस शहर में? कोई सोच रहा है इस बारे में? मैडम सर, क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो मैडम वो दो चाटों का जोड़ा, वो तारा सितारा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुला रही है। आइए देखते हैं ना वो क्या दोनों खिचड़ी पका रही है। आइए आइए, कौन आइए, आप भी चलिए चलिए चलिए। अरे मेरे भाई, बहुत प्यारा भाई है तू तो मेरा। अरे आइए आइए मैडम जी। मैडम जी, अब हम क्या है ना, बिल्कुल पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। अब जब हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा रहा ही नहीं तो यहाँ रह के क्या करेंगे? अब जो है ना, आप हमारी FIR को खारिज कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। हो गया आप दोनों का? हाँ। आप दोनों चाट पापड़ी बनाते हैं ना? जी जी। तो फिर वही बनाइए, हमें बेवकूफ बनाने की बेमानी कोशिश मत करिए। और साफ साफ ये बताइए कि कल रात को कयामत ने आपसे क्या कहा? मैडम सर, कयामत ने हमसे ये कहा, अगर आप अपने टंटे झगड़े भूलकर ढंग से नहीं चलोगे तो दुकान बंद करा दूंगी। पर ये बोला कि हम दोनों की समाधि ना हमारी दुकान के सामने ही बना देगी वो। दिस इज टू मच। अब कयामत हमारे थाने में घुसकर लोगों को धमका रही है। आज इसने इन दोनों को धमकाया, कल पूरे शहर के व्यापारियों को धमका कर उनसे पैसे वसूल लिए। अभी नहीं, हमको नहीं लगता वो ऐसा करेगी। अच्छा, मतलब हमारे कहने का ये है मैडम सर, ऐसा काहे करेगी वो? आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि कयामत ही ऐसा करेगी? क्योंकि गलत गलत होता है करिश्मा सिंह, और वसूली की शुरुआत अक्सर धमकियों से ही होती है। आज अगर ये दोनों उसकी धमकी में आ गए तो कल इन दोनों को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। देखिए, आज वो हमें धमकी देगी, हो सकता है कल वो हम दोनों की दुकान ही लूट ले, कुछ भी हो सकता है, भैया हमारा कत्ल ही कर दे। गनीमत है आपको समझ तो आया। जी, तो फिर अब करना क्या है सितारे? ये करना है,
अबे जो चल लिया है तू वो चलने देना तू। हाँ अब तो देख रहे तेरी दुकान है ना मेरी दुकान के आगे से हटेगी तो तुम्हारी दुकान बता रहे क्या कर रहे हैं। शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए, ये क्या कर रहे हैं, बस कीजिए, शांत हो जाइए। इतना समझाए थे इन दोनों को, लेकिन यही लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। मैडम सर कयामत को विलन मान रही है और ये दो चाटों का जोड़ा आपस में मुर्गे की तरह फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो इनका एफआईआर कंफर्म हो जाएगा और हमारा थाना कंपटीशन में हारना भी कंफर्म। नहीं बिल्ले, ऐसा नहीं होगा। हमने प्रण लिया है कि हम अपने महिला पुलिस थाना को जिताकर रहेंगे इस प्रतियोगिता में, तो अब हमें इसके लिए अपनी प्राण भी देने पड़ जाए ना तो हम दे देंगे। बहुत हल्के में ले लिया इन चाटों के जोड़ों ने हमको, अब कयामत फिर से आएगी और ऐसा समझाएगी इन दोनों को कि फिर जिंदगी में कभी हमें समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये केस ना सिर्फ तब सॉल्व हो सकता है जब तारा सितारा दोनों में से किसी एक की दुकान कहीं और शिफ्ट की जाए, और कायदे से उसी की दुकान वहां रहनी चाहिए जिसने सबसे पहले ये दुकान खोली थी। पता लगाइए कि दोनों दुकानें कब खुली और सबसे पहले किसने दुकान खोली। मैडम सर रिपोर्ट रेडी है। वाओ, Impressed. हमारे देश को मैडम सर आजादी 1947 में मिली थी, है ना? और कैसे मिली थी ये तो आप जानती हैं। देश के क्रांतिकारियों ने कितना खून बहाया है, वीरों ने अपने सीने पर गोलियां खाई है, कितने शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं मैडम सर। संतोष शर्मा, देश की हिस्ट्री हम जानते हैं, तारा सितारा। सॉरी मैडम सर, वो 1947 और देश की आजादी के बारे में जब भी बात करती हूँ ना तो शरीर में एकदम जोश आ जाता है। संतोष शर्मा, देश को तो आजादी मिल गई है। हाँ। लेकिन ये केस अब भी हमें सॉल्व करना है। किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ, ये देखिए मैडम सर, इनकी दुकान हजरतगंज मार्केट में है और 1947 में इनके पापा ने खोली थी। अब उनके जाने के बाद इन दोनों ने ये दुकानें अपने अपने नाम पर कर ली। हाँ, लेकिन पहले दुकान किसने खोली? बस वही पता नहीं लगा पाई मैडम सर। ये बात ना उसी इलाके में रहने वाले कोई उम्र दराज लोग ही हमें बता सकते हैं जिन्होंने वो दौर देखा हो और जिन्हें उस दौर के बारे में थोड़ा बहुत याद हो, उन्हीं से पता लगाया जा सकता है। संतोष शर्मा, आप और चीता चतुर्वेदी हजरतगंज जाइए, वहाँ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उस उम्र के दौर के हों, जिन्हें थोड़ा बहुत याद हो कि किसकी दुकान पहले खुली थी, वहीं से कुछ पता मिल जाए। जी मैडम सर। गुड। प्रणाम बाबा। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मैडम सर, ये माजिद दादा है और इन्हें पता है कि किसकी चाट की दुकान पहले खुली थी। अरे चीता चतुर्वेदी, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जब तुम इतने छोटे से थे तब तुम आते थे ना फातिमा के पड़ोस में मामा के घर। अरे माजिद मामा, याददाश्त तगड़ी है इनकी, ये हमारा काम कर देंगे। वैसे दादाजी, नहीं नहीं पुष्पा जी, आप भाई साहब बुला सकती हैं। नहीं नहीं, हमारे भी तो दादाजी की उम्र के हैं, तुम चुप रहो। दादाजी, आपको याद है तारा और सितारा में से किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ याद तो है। दादाजी। चाचा जी। बाबा। दादाजी क्या हुआ? अरे मामा, बताओ कितना दिन बाद मिले थे, आज ही निकल गए। चीते चीते चीते, कुछ नहीं हुआ है, नहीं इन्हें बीमारी है, कहीं भी सो जाते हैं। उठाइए फिर इन्हें। हाँ दादाजी, दादाजी उठिए। हाँ याद तो हमें सब है,
जब हम मोहल्ले से गुजरा करते थे तो हमारी एक झलक देखने के लिए लड़कियां घरों के छज्जे पे आया करती थीं और छज्जे नीचे गिर जाया करते थे। आप भी आइए कभी हमारी हवेली पे। हम क्या करेंगे हवेली पर आके? अम्मा चीचा, तारा और सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था? बस याद नहीं आ रहा है। चीचा चीचा इधर देखिए। हाँ हाँ हाँ, अब आपको याद ही नहीं है कि तारा सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था, तो फिर आप हमारे किसी काम के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। संतू, इनको छोड़ाइए जहाँ से भी आप इनको लेकर आइए। अरे हमने ये कहा है कि हमको याद नहीं है, ये तो नहीं कहा कि याद नहीं आ सकता। मतलब? मतलब ये कि चाट चक्कर बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले किसकी चाट खाई थी हजरतगंज में। चाचा जी, तो तय रहा, हम आपको तारा सितारा दोनों की चाट खिलाएंगे, फिर आप याद करके हमें बता देना कि किसकी दुकान पहले खुली थी। ओके। चाचा जी, ये लीजिए चाट। जी हाँ भाई, ये तो बताओ कि ये है किसकी। यही खा के आपको बताना है ना कि ये किसके दुकान का है, तारा का सितारा का, किसका दुकान यहाँ पहले खुला था चाचा। ये बात है। वाह, यही तो है वो चाट। चाचा जी हा? चाचा जी हा? यही है वो चाट। हाँ, यही तो है वो चाट जो बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। चाचा जी बहुत बढ़िया, अब ये तो खत्म हो गया, ये हमको दे दीजिए। अब आप ये वाला खा के बताइए कि ये किसके यहाँ का चाट है। असल में ये है वो चाट। यही यही है वो चाट जिसकी दुकान पहले खुली है? नहीं नहीं, असल में ये है वो चाट जिसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। असल में चाट से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, साल भी तो बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ, अगर दही भल्ले मिल जाते तो पता चल जाता कि किसकी दुकान पहले खुली है। बता दीजिए किसकी दुकान पहले खुली थी, अब खाकर कुछ याद आया है थोड़ा बहुत? याद तो आ जाता, असल में इनकी चाट का बहुत शौकीन हूँ। मैंने तो इनकी चाट खाने के चक्कर में ये झूठ बोला ताकि आप इन दोनों को लॉकअप से निकाल कर चाट बनवा सकें। दुआएं लगेंगी बेटा आप दोनों को। चिंता मत करना, कोई ना कोई बता देगा कि इन दोनों में से पहली दुकान किसकी खुली थी। हाँ, नहीं संतू, डिसाइड कर लो कि जिंदगी में तुम कहाँ चाहती हो। तुम इधर से जाना चाहती हो, तुम इधर से जाना चाहती हो? मैं बस जाना चाहती हूँ, कहीं से भी चलेगा। जाओ। ए रुको रुको रुको, सुनो, वो नंबर का क्या हुआ? नंबर चीते दो, मैं बदल दिया। बदल दिया? चीते दो, बदल दिया मतलब? हाँ, मैं फोन ट्राई कर रही तो अनअवेलेबल बता रहा है। चीते एक मिनट, अन सच्ची? हाँ, 3 महीने से जो कुछ। हाँ क्या, क्या बोल रही थी? वो 3 महीने से जो कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है ना, वो मेरा कारपेंटर वो दरवाजा ठीक नहीं कर पा रहा है। अब जब मैं फोन कर रही हूँ ना, तो नंबर ही बदल दिया उसने। अब एक बार मुझे सामने मिल जाना मैडम, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैडम सर ने कयामत का नंबर, कयामत का डिटेल निकालने को कहा था ना संतू, उसका बात कर। अच्छा वो तो मैडम किसी नीना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है, मेरे पास एड्रेस भी है। दिखाओ। हो गया मैडम, हो गया, अब नहीं होगा, हो गया। 22 मानसरोवर।
विकास नगर। बहुत बढ़िया संतू, बहुत बढ़िया काम किया तुम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वैसे कुछ बदल नहीं गई? बदल गई है संतू जी, बदल गई है, बहुत ज्यादा बदल गई है। बदनाम हुआ की जाए, पता ना आप कौन सा जहर डाल रहे हैं। करिश्मा मैडम की बात कर रही हूँ। हाँ। क्या? हाँ। क्या हम कहाँ बदल गए? हम वैसी हैं। हाँ नहीं, मुझे तो लग रहा है आप बदल गई हैं। नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। देखो मैडम, आप हर बात पे मुक्का और लात चलाती हैं। अपराधी को देख लेती तो आपको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ हो जाती है, अपना भौकाल दिखा देती है। एकदम कड़क करिश्मा सिंह है आप। पर अभी जब कयामत आई तो उसने इतना सब कुछ कर दिया और आपका कोई रिएक्शन ही नहीं, आप एकदम कूल है। थाने में घुसकर उसने थाने की इंसल्ट की और फिर भी आपका कोई रिएक्शन ही नहीं, तो आपके भौकाल पे सवाल तो उठेगा ना। पता है, बकैती बंद करो। और गुस्सा बहुत आ रहा है हमको, हम ना भर गए हैं गुस्से से, इतना गुस्सा आ रहा था, खून खोल रहा है हमारा ना। हमारे सामने आएगी ना ये कयामत की बच्ची, उसको ऐसा भौकाल दिखाएंगे, ऐसा भौकाल दिखाएंगे। हम बता रहे हैं तुमको कि वो एक ही बात बोलेगी कि मैडम, मैडम किधर कहा, पुष्पा जी कब से समा गई आपने? पुष्पा जी, क्या हुआ भाई? आ गई पुष्पा जी। शैतान का नाम ले और शैतान हाजिर। वो कहावत है ना, कहावत। हाँ ठीक है ठीक है, मगर क्या हुआ, हमारे बारे में क्या बातें हो रही थी? ये पुष्पा जी, मैडम इतना आला दर्जे का एक्टिंग कर रही थी ना, हाँ, कि हमको आपका याद आ गया। करिश्मा सिंह जी, मैडम सर, हमें लगता है कि ये कयामत के मामले में ना हमने भी लापरवाही की। उसने खुद कहा था कि वो आने वाली है, हमने यकीन नहीं किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये थाना है, यहाँ कोई क्रिमिनल आने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वो आई और इन दोनों को धमका कर चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी है, तो वो फिर से आएगी और इस बार हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से नाइट ड्यूटी पर होंगी आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.